फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें चैनल ब्यूटीफुल यू को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। हेलो मेरे ब्यूटीफुल दोस्तों, क्या आप जानते हो ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो हमारे घर पर ही अवेलेबल होते हैं, आसान होते हैं, काम भी अच्छे से करते हैं, बस हमें पता नहीं होता। कुछ आज ऐसा एक रेमेडी है जो शायद मुझे भी नहीं पता था, और जब मैंने इसको ट्राई किया, क्योंकि ये रेमेडी मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने शेयर किया था, और उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे खुद से बिलीव नहीं हुआ कि सीरियसली ऐसा भी है और इतना अच्छा रिजल्ट इसका मुझे आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। ये आपके बालों के ग्रोथ को प्रमोट करेगा और आपका हेयर फॉल जस्ट इंस्टेंट रोकने में बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो जाते वक्त अपना प्यारा सा और वैल्यूएबल एक लाइक जरूर देके जाया करें। साथ ही जाने होम रेमेडीज फॉर डैंड्रफ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक आर्टिकल है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। वीडियो में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल। आप इस क्वांटिटी को ज्यादा और कम कर सकते हो अपने हिसाब से। मुझे सिर्फ इसको हल्का गर्म करना है, तेज गर्म नहीं। मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस पर रखा और गैस झट से बंद कर दिया। दूसरा, जिस ग्लास में मुझे इसको निकालना है उसमें एक टी बैग डालना है आपको, ग्रीन टी का। जी हाँ, ग्रीन टी का बैग डालना है टी बैग, और उसमें आपने ये हल्का गुनगुना सरसों का तेल डाल के छोड़ देना है। जब तक तेल ठंडा नहीं हो आपको इसमें ही रहने देना है। हल्का तेज बोलूंगी, बहुत ज़्यादा तेज नहीं, बट हाँ तेज गर्म होना चाहिए तेल, जिससे कि आपको जो इसकी गुडनेस है सारी चाय पत्ती की वो आपके सरसों के तेल में आ जाए। ग्रीन टी में होता है विटामिन बी बहुत ज़्यादा, जो कि आपके बालों को हेल्दी करता है, आपके कंट्रोल करता है स्प्लिट एंड्स को, आपके बालों को सॉफ्ट शाइनी और रूट से मजबूत बनाता है। आपको जैसे कि मैंने बताया, पौना घंटा आधा घंटा रखने के बाद आप इस टी बैग को निकाल कर रिमूव करें, और अब इस तेल को आप स्टोर करके रख सकते हो। इस तेल को लगाने का तरीका ये है कि आपको इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है अच्छे से, और अच्छे रिजल्ट के लिए पूरी रात छोड़ें, अगले दिन अपने बालों को वॉश करें शैम्पू से, और हाँ मसाज करते वक्त अपने बालों को आगे की तरफ यानी कि सामने की तरफ झुकाकर नीचे डालें और पीछे बैक मसाज दे अच्छे से, ताकि आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आपके बालों में लेंथ अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, हेयर फॉल झट से स्टॉप हो जाए। आई होप गर्ल्स की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अपडेट्स के लिए और नए नए अपडेट्स के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।